ऐसे हैं जिसका पेट फूल रहा है किसी कारण, जिस सिस्टर का नाम अमरजीत कौर है और जो अमृतसर बाईपास के रहने वाले, इनकी बहुत ही बिग और अमेजिंग टेस्टामनी है। और जिस सिस्टर की गवाही जे जो बता रही कि 12 साल पहले इनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता था और जो बहुत परेशान रहते थे इस प्रॉब्लम के कारण, जो बता रही कि इसके कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास भी गए और जो बता रही कि जैसे जो टेस्ट भी कराते थे उसके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर जो बता रही कि हर रोज़ ही शाम को 5 बजे के बाद इनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता था जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। और जे सिस्टर बता रहे कि जे बहुत सारे सयाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए कि किसी ने ऐसे कुछ किया ना जिसके कारण जे पेट फूल जाता है, पर जे बता रहे कि फिर भी कोई हल नहीं हुआ इनका, जिसके कारण जे परेशान रहते थे। जे बता रहे कि जब भी शाम के टाइम जे कुछ चाय वगैरह पीते थे तो जे बता रहे कि उस समय बाद में इनका पेट इतना ज़्यादा फूल जाता था और इनको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जब बता रहे कि जब बहुत परेशान हो जाते थे, जब बता रहे कि फिर जब कुछ समय के लिए लेटते थे कि जो बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता था, तो जब बता रहे कि जैसे जो लेटे रहते थे फिर कुछ समय बाद थोड़ा इनको अच्छा लगता था, पर 12 साल से ऐसे जो प्रॉब्लम में बने रहे, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई, बाबों के पास भी गए, पर इनका कोई भी हाल नहीं हुआ। जैसे जो सिस्टर ने बताया, क्योंकि इनको 6 महीने हुए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए और परमेश्वर ने इनके जीवन से बहुत सारी प्रॉब्लम को पहले भी अच्छा किया है और अपनी इस प्रॉब्लम के लिए भी विश्वास कर रही थी कि परमेश्वर आप मुझे अच्छा कर चुके। और जिस सिस्टर ने बताया कि जब जिस सिस्टर 3 अक्टूबर की मीटिंग में आए पिछले 2021 में, तो संडे की मीटिंग थी और जैसे जिस सिस्टर मीटिंग में आए और प्रभु के दास मास प्रेयर कर रहे थे और जैसे प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई कि जिस किसी का पेट फूल रहा है और जिसके कारण वो बहुत टेंस में, और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। बाबा, आपके पेट में जो आपका पेट फूल रहा है, आप ऐसे हैं जिसका पेट फूल रहा है किसी कारण और आप उसको लेकर उस बात के लिए आप टेंस हो, किस चीज के लिए आपका पेट फूल रहा है और आप टेंस हो। मैंने कहा आपका पेट फूल रहा है और आप टेंस हो। री शाखा नाम खुदा का आत्मा को शूर आए। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा को शूर आए। इस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छूर आए। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा छूर आए। और जैसे ही इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जो सिस्टर आगे आए और जैसे प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। चल पूरी तरह से इसके जीवन से चल आउट फ्री। चल पूरी तरह से यहां शैतान तुझे चढ़ से उखाड़ता हूं, उखड़ आउट फ्री। और जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने रिसीव किया, इनके लिए प्रार्थना हुई और जो धन्यवाद और प्रार्थना में बने रहे कि परमेश्वर जैसे आपने मुझे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम से अच्छा किया, इससे भी आप मुझे अच्छा कर चुके हो। तो सिस्टर आप बताइए, जब आप पहले इस मिनिस्ट्री में आए तो आपको कितनी प्रॉब्लम थी, अब कितना परेशान थे? बहुत ही ज्यादा, मैं दुष्ट आत्मा में सी, रात नो सपने भी बहुत बुरे होते सी। हाँ जी, हुन बिल्कुल ठीक है मैं। और इस प्रॉब्लम दे लिए भी तुसी की कर दई? बड़े सयाने कोल गई मैं। तो जिवे इन्होंने परमेश्वर ने जिवे पहला भी 6 महीने ना इस मिनिस्ट्री ना जुड़े हुए सी और परमेश्वर ने इन्होंने बहुत सारिया प्रॉब्लम तो अच्छा किया और इसके लिए भी जो चाहत में बने रहे थे और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से
वर्ड आया, उन्होंने रिसीव किया, जो प्रार्थना में बने रहे। और आज ये सिस्टर बता रही कि 5 महीने हो गए इनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जैसे शाम को 5 बजे के बाद इनका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता था, जब बता रही कि जब चाय के साथ जो नमकीन जब बिस्किट पहले खाते थे तो बहुत ज्यादा फूल जाता था, पर आज 4 महीने हो गए जो सेम चाय भी पी रहे, अपना कुछ भी जो खाते हैं उसके साथ इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इसको उनको आज पूरी तरह से आजाद कर दिया। इसको वाही के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे कली से इसको वाही के लिए। क्या नाम क्या है आपका? अमरजीत। अमरजीत का ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे थे कितने साल से? 12 साल। 12 साल से हा? तो देखो छोटी बात है, और इन्होंने एक चीज एक पॉइंट वो बताया जो बता रहे थे मुझे कि ये कहते पेट फूल जाता था, क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था जब मैं इनकी टेस्टिमनी फोन से सुन रहा था। तो अपने ये पॉइंट बताया, जैसे ये कहते कि पेट फूल जाता था, और मुझे ऐसे लगता जैसे एक प्रेग्नेंट औरत होती है, कैसी जैसे उसे ऐसी प्रेग्नेंट औरत है, जैसे कोई 5-6 है ना, ऐसे 5-6 महीने का जैसे एक प्रेग्नेंट औरत को टाइम होता ना, ऐसे मेरा पेट हो जाता तो मुझे बहुत लज्जा आती थी, शर्म आती थी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं ना। इस एज में अगर किसी को ऐसा है तो लोग सोचेंगे कहीं हो सकता है कि नहीं है, तो इसलिए ये इस चीज के लिए बहुत परेशान थे। तो क्या बोलो, इस चीज के लिए ये बहुत परेशान थे, पर ये पहले प्रभु को नहीं जानते थे। बोलो क्या है? ये पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो संसार की धार्मिकता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? संसार की धार्मिकता कर रहे थे, और जो किसी ने जो बोला जो कहा ये कर रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे। और फिर बहुत सी मेडिसिन, बहुत से कहते डॉक्टरों के पास भी गए। कितने डॉक्टरों के पास गए? बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, बहुत उन्होंने तो क्या लुधियाने ले जाओ। देखो बहुत डॉक्टरों के पास लेकर गए, उन्होंने बोला लुधियाने ले जाओ, इस यहां से इसका इलाज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिर ये इन्होंने ऐसे शरीर में सोचा कि शायद कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर ये तांत्रिक बाबों के पास भी गए, उनको कुछ दिया भी कि ऐसे बस नहीं देता, नहीं कुछ भी, चौकियां पर दे रही, चौकियां चौकियां पर दे रही। हाँ, पर उस तरीके से भी करने से आराम और जीवन और शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? नहीं मिली। देखो 12 साल तक ये अपनी प्रॉब्लम में जूझते रहे, 12 साल तक। और तकलीफ भी होती होगी कि नहीं आपको सांस लेने की? सांस लेने की तकलीफ होती। देखो सांस लेने की बहुत तकलीफ हो जाती थी, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे और सोच रहे थे क्या करें। फिर आपको गुड न्यूज मिली, फिर आप यहाँ पे आई। हाँ जी। देखो फिर सुसमाचार मिला इन्हें, यहाँ पे आए आज से 6 महीने पहले। तो अपने सुना होगा जब खुदा ने मेरे मुंह से इस बात की घोषणा की। क्या की? इस बात की घोषणा की कि मैं ऐसे किसी का पेट फूलता हुआ देख रहा हूं, और वो इस बात से बहुत टेंस है। टेंस मतलब समझे, बहुत परेशान है। और इन्होंने, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, आपने बताया था मुझे इस बात ये विषय? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। देखो पर परमेश्वर आपके मन की बातें जानता है, समझे हो मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर आपकी मन की बातें जानता है। और जैसे उस दिन इन्होंने रिसीव किया, फिर ये आगे आए, और जैसे इन पर प्रार्थना हुई, और उस दिन से लेकर आज इन्होंने लंबा समय तक चेक किया है। कोई तो 10-15 महीना 2 महीने में चेक करके दे देते हैं, पर ये लंबा समय चेक करते रहे, पर आज तक
इन्हें वो प्रॉब्लम जो 12 साल से थी दोबारा कभी भी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? इतनी लंबे समय से 12 साल की प्रॉब्लम दोबारा इन्हें कभी भी नहीं हुई। इसलिए बाइबल हमें बताती कि जहां कहीं उसका आत्मा है वहां आजादी है। कितने लोग विश्वास करते हैं जो ऑनलाइन है? कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि उसके वचन में लिखा जहां कहीं उसका आत्मा वहां आजादी है। आमेन, आमेन। और आज ये विषय हम सीखेंगे और समझेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दें।